जब से प्रभु राम अपने मंदिर में विराजमान हुए हैं, तब से अयोध्या में राम भक्तों की संख्या में बड़ा उछाल आया है। हर दिन 1 लाख से ज्यादा भक्त दर्शन पूजन करने के लिए अयोध्या पहुंचते हैं। साथ ही राम भक्त दिल खोलकर दान भी कर रहे हैं। हाल ये है कि राम मंदिर की सालाना आय अब देश के बाकी बड़े मंदिरों के बराबर पहुँच चुकी है। पिछले साल राम मंदिर को कुल 363 करोड़ रुपए का दान मिला था। इस दान में मिले ब्याज को मिलाकर मंदिर की कुल सालाना आय लगभग 400 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। ये आंकड़ा इस बात का प्रूफ है कि अयोध्या में प्रभु राम के विराजमान होने के बाद आस्था के साथ साथ भक्तों का दान भी कितना ज्यादा बढ़ गया है। आपको ये भी बता देते हैं कि राम मंदिर बनने के ऐलान के बाद से अब तक कितना दान मिल चुका है। दरअसल नवंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने रामलला के पक्ष में फैसला सुनाया। 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर की आधारशिला रखी। इस दिन से ही भक्तों ने मंदिर के निर्माण में दान देना शुरू कर दिया था। पिछले 5 साल में प्रभु राम को लगभग 55 अरब रुपए का दान मिल चुका है। इसमें 1300 किलो चांदी और 20 किलो सोना भी शामिल है। हाल ही में विदेशों से भी लगभग 15 करोड़ रुपए का दान भी मिला। अयोध्या के राम मंदिर की आय की तुलना की बात करें तो देश के बाकी बड़े मंदिर भी काफी कमाई कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश के तिरुपति वेंकटेश्वर मंदिर की सालाना आय लगभग 1450 करोड़ से 1613 करोड़ रुपए है। वहीं केरल के पद्मनाभस्वामी मंदिर की आय 650 से 700 करोड़ रुपए तक होती है। बाकी मंदिरों में पंजाब का गोल्डन टेंपल भी शामिल है, जिसकी सालाना आय 500 करोड़ है। जम्मू कश्मीर का वैष्णो देवी मंदिर भी इस लिस्ट में शामिल है, जिसकी सालाना आय 400 करोड़ है। साथ ही 400 करोड़ की सालाना आय के साथ महाराष्ट्र का शिर्डी साई मंदिर भी इस लिस्ट में अपनी जगह बना चुका है। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड इकोनॉमिक एसोसिएशन के अध्यक्ष और अवध यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर विनोद श्रीवास्तव का कहना है कि अयोध्या की अर्थव्यवस्था पर लंबे समय से रिसर्च हो रही है। उनके अनुसार यदि हम देश के प्रमुख मंदिरों की सालाना आय की बात करें तो सबसे पहले आंध्र प्रदेश का तिरुपति वेंकटेश्वर मंदिर है, जिसकी सालाना आय लगभग 1600 करोड़ रुपए है। इसके अलावा केरल का पद्मनाभस्वामी मंदिर भी काफी पीछे नहीं है, जिसकी सालाना आय 700 करोड़ रुपए है। हालांकि अब अयोध्या का राम मंदिर भी अपनी आय के मामले में वैष्णो देवी और शिर्डी साई मंदिर के बराबर पहुंच चुका है। राम मंदिर ट्रस्ट के कार्यालय प्रभारी प्रकाश गुप्ता बताते हैं कि भक्त दर्शन पूजन करने के साथ साथ दान भी देते हैं। राम जन्मभूमि सेवा केंद्र में दान काउंटर, राम भक्त ट्रस्ट कार्यालय और मंदिर परिसर में भी दान पात्र लगाए गए हैं, जहां भक्त दान दे सकते हैं। इसके अलावा श्रद्धालु ऑनलाइन माध्यम से भी दान करते आए हैं। यानी कि ये साफ है कि अयोध्या के राम मंदिर से न केवल धार्मिक आस्था झलकती है, बल्कि ये अच्छी आर्थिक स्थिति के लिए भी जरूरी बनता जा रहा है। लोकल 18 के लिए अयोध्या से सर्वेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट।